हम बात कर रहे हैं ONGC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक जो हमको साइडवेज ही काम करता नज़र आया और हम देख सकते हैं स्टॉक ने गिरावट दिखाई है 340 के लेवल से। आपको याद होगा 280 के लेवल को तगड़े सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किए थे। उसी सपोर्ट पर स्टॉक मल्टीपल्स टाइम सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है, मतलब 280 का जो सपोर्ट है ONGC ब्रेकडाउन करने के लिए फ़िलहाल तो तैयार नहीं है। सेलिंग आ रही है लेकिन ब्रेकडाउन भी नहीं कर रहा है। इसी लेवल पर हमको बायर्स एक्टिव होते नज़र आ रहे 280 के लेवल पर। अब कुछ दिनों से स्टॉक इस रेंज में काम कर रहा है, 280 के लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है 300 के लेवल पर। इस रेंज में स्टॉक काम करते हमको नज़र आ रहा है और स्टॉक है गिरावट में। वैसे ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन 340 के लेवल से गिरावट रिजेक्शन लिया है, गिरावट दिखा रहा है, उस बेस की हम बात कर रहे हैं। तो नीचे की ओर 280 का सपोर्ट ब्रेक डाउन कर जाता है तो अगला सपोर्ट बनेगा 270 और 260 तक का फॉल दिखा सकता है। लेकिन ब्रेकडाउन की सिचुएशन कम बनी हुई है, क्योंकि ब्रेकडाउन करना होता तो अब तक ब्रेकडाउन स्टॉक कर चुका होता। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे क्योंकि मार्केट में भी छोटी मोटी गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही थी, सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था। तो बाउंस बैक करके स्टॉक अगर 290 का लेवल ब्रेकआउट करता है और 290 के ऊपर 2 से 3 दिन सस्टेन होता है, याद रखिए 290 के ऊपर सस्टेन होता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 290 का लेवल ब्रेकआउट कर रहा है स्टॉक लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है, जंप आ रहा है 300 और फिर रिजेक्शन ले रहा है। तो 290 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो वैसी सिचुएशन में 300 का लेवल ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। नेक्स्ट टारगेट है अपना 300, मेजर रेजिस्टेंस है। या तो फिर स्टॉक में बड़ी बाइंग आती है और बड़े बाइंग के देखने के लिए मिलती है तो वैसे कंडीशन में 300 का लेवल फिर ब्रेकआउट दिखा सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 320 का रहेगा, फिर नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस 320 के लेवल पर फेस करेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।